मैथ्स मैजिक बुक का चैप्टर 6 द जंक सेलर का पेज नंबर 5 फिफ्थ पेज है ये आपकी एनसीईआरटी बुक का। रेट लिस्ट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किरण जो है वो एक स्मॉल जंक शॉप है और वो जंक कलेक्टर से खरीदती है, सारा जंक खरीदती है। तो उसने अपनी एक प्राइस लिस्ट यानी रेट लिस्ट बना रखी है। तो ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रही है ये रेट लिस्ट है उसकी। यहाँ लिखा है काइंड ऑफ जंक, मतलब जंक का प्रकार, किस प्रकार का जंक है, मतलब वो पेपर है कि लोहा है कि न्यूज़पेपर है, क्या है वो। और 1 kg का प्राइस ये सारा लिखा हुआ है। वेस्ट पेपर 4 rupees per kg से लेगी वो, न्यूज़पेपर 5 rupees per kg से, आयरन 12 rupees per kg से लेगी, ब्रास मीन्स पीतल 170 rupees per kg से लेगी, प्लास्टिक 10 rupees per kg से लेगी। अब यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर। हाउ मच यानी कितना किरण पे करेगी 42 kg ऑफ न्यूज़पेपर के लिए। तो 42 kg ऑफ न्यूज़पेपर के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 kg न्यूज़पेपर वो कितने में लेती है। तो आंसर क्या मिला हमको, 5 में। तो हम 5 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 का, और जो आंसर आए हमारा आंसर हो जाएगा। कर देते हैं, 5 2 10 कैरी ओवर 1, 5 4 20, 20 + 1 21, तो 210। 210 क्या हो जाएगा, ये इतना पैसा वो पे करेगी जंक कलेक्टर को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ प्लास्टिक। 22 kg ऑफ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक कहाँ ये है, यानी 1 kg की कीमत 10 rupees, तो 22 kg की कीमत कितनी हो जाएगी, 220। कैसे हुआ, इन दोनों का इंटू करने पर, बस 22 1 22 और एक जीरो लगा है। इसके बाद नेक्स्ट है 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर। वेस्ट पेपर ये रहा, 4 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 से। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4 3 12 कैरी ओवर 1, और 4 2 8 + 1 9 92 rupees। नेक्स्ट ब्रा सॉरी 12 kg ऑफ आयरन। तो 1 kg आयरन की कीमत है 12 rupees और 12 kg, और तो 12 में 12 से आप मल्टीप्लाई कर देना, 12 2 24, 24 का 4 कैरी ओवर 2, 12 1 12, 12 + 2 कितना होता है 14, तो ये हो जाएगा 144। तो आप देखेंगे कि ये सारे जो ये जो थे ये हमने निकाले हुए थे। अब इसको जितना सभी के लिए देना है उसको हमने इस तरीके से टोटल कर दिया, तो इन सबको जोड़ दिया, इसको 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 और इसको, ये देखिए इसको जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आया, ₹666। ये ध्यान रखेंगे कितना आया था, ₹666। एंड कह रही है कि गेस द टोटल मनी किरण विल पे फॉर द जंक। तो किरण कितना पे कर रही थी, मैंने आपको अभी टोटल करके बताया, 666 फ्रॉम जंक टू जंक कलेक्टर, जंक कलेक्टर को इतना पे करेगी। विल इट बी, क्या ये होगा मोर देन 600 या लेस देन 600। मोर देन यानी ज़्यादा, लेस देन यानी कम, 600 से ज़्यादा है कि 600 से कम है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये क्या है, ये है मोर देन 600, लेस देन 600 नहीं है। इसके बाद स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। स्मार्ट किरण बहुत स्मार्ट है, उसने क्या किया है कि पहले जंक उसने खरीद लिया है, अब वो उतना जंक बेचने जाएगी। किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप। किरण अपने जंक बड़े शॉप पर बेचती है। ही चेक्स द प्राइस ऑन हर मोबाइल फोन एंड सेल्स ओनली वेन शी गॉट अ गुड प्राइस। तो वो क्या करती है, सबसे पहले मोबाइल फोन से अलग अलग शॉप्स पर बात करके पता कर लेती है कि कहाँ पर क्या प्राइस चल रहा है, और उसके बाद वो वहाँ से डील करती है। इसलिए इसको कहा है स्मार्ट किरण। टुडे शी हैज़ गॉन
टू सेल प्लास्टिक न्यूज़पेपर आयरन एंड ब्रास एट दीनूज बिग शॉप। तो उसने सभी जगह पता किया, तो उसको दीनू की प्राइस लिस्ट अच्छी लगी, तो वो दीनू को बेचने जा रही है। सभी जंग कलेक्टर से उसने खरीदा होगा प्लास्टिक न्यूज़पेपर आयरन एंड ब्रास। दीनू वेट्स 32 kg आयरन, 4 kg ब्रास, 152 kg न्यूज़पेपर एंड 63 kg प्लास्टिक। दीनू ने जो वो किरण जंक लेकर आई उसको बड़े से तराजू में यानी वेइंग मशीन में उसने उसको वेट किया, तो इतना आयरन, इतना ब्रास और इतना न्यूज़पेपर निकला और इतना प्लास्टिक।